चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर माउस, मैंने कितने मिनट का लेक्चर होगा? बस 30 मिनट का। हाँ जी, एक घंटे तक का होगा? नहीं नहीं, एक घंटे तक का नहीं होगा इंशाल्लाह, 30 मिनट में मैं बाइंड अप करूँगा। लेक्चर छोटा है, लास्ट लेक्चर है जनरल एम्ब्रियोलॉजी का। कल से हम CVS की एम्ब्रियो को ज़रा टच करेंगे। देखें जी, डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंजियल अपरेटस। वैसे मैंने ये पीछे आपको फ्रेंजियल अपरेटस का टच दिया हुआ, याद है? वो कहता है कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है ज़रा ज़रा, तो मुझे थोड़ा याद है, मैंने पढ़ाया था। हैं, ये देखें फ्रेंजियल अपरेटस याद है आपको, ये मैंने पढ़ाया था इसमें सारा, लेकिन आज मैं ज़रा इसको डिटेल में, उधर मैंने सिर्फ इतना सा बताया था, आज मैं इसको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है? उसी को थोड़ा सा हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। चलें जी, डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंजियल अपरेटस। अच्छा, फ्रेंजियल अपरेटस होता क्या है? फ्रेंजियल अपरेटस ये होता है कि ये अगर आपका एम्ब्रियो पड़ा हुआ, ये तो इसका आप ये क्रैनियल एंड ले लें और ये कॉडल एंड। दिस इज नॉट अ क्रैनियल, दिस इज कॉडल एंड, दिस इज कॉडल एंड, दिस इज अ मिस्टेक, आपने मुझे ठीक कराने वाले, ठीक है? ये क्रैनियल एंड, ये कॉडल एंड। तो क्रैनियल एंड पे, इस एंड पे एक जिल लाइक स्ट्रक्चर, गिल, गिल भी पढ़ते हैं, गिल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मछली के गिल्स नहीं होते, तो समथिंग लाइक दैट, गिल लाइक स्ट्रक्चर, ये देखें ये वाली, इस स्ट्रक्चर को बोलते होते हैं फ्रेंजियल अपरेटस। क्या बोलते होते हैं? फ्रेंजियल अपरेटस। तो ये फ्रेंजियल अपरेटस होती है। अब इसी को हम जरा खोल के पढ़ते हैं। ये आपको, ये देखें, गिल लाइक स्ट्रक्चर एट द क्रैनियल एंड ऑफ द सेजिटल सेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो। जब हम एम्ब्रियो का सेजिटल सेक्शन लेते हैं कि एक साइड पे क्रैनियल एंड नजर आ रहा है, एक साइड पे कॉडल एंड नजर आ रहा है, तो उस वक्त आपको ये स्ट्रक्चर नजर आती है, दैट इज गिल लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते होते फ्रेंजियल अपरेटस बोलते हैं, और ये सेजिटल सेक्शन में आपको दिखाई देती है, ठीक है? इसका आल फ्रेंजियल अपरेटस। अब इस फ्रेंजियल अपरेटस को अगर हम खोल के देखें, तो इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं उसको हम देखते हैं, और डिटेल में उनको हम देखते हैं। तो ये मैंने इसको जूम इन किया, खोला इसको, ओपन किया, तो देखें सबसे पहली चीज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये जो आउटर वाली ब्लू वाली लेयर है, दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म, दैट इज कॉल्ड आउटर लेयर, एक्टोडर्म। उसके बाद ये, आई एम सॉरी, उसके बाद ये ग्रीन वाली लेयर, दिस इज एंडोडर्म, दिस इज एंडोडर्म, और ये रेड वाली लेयर इन मिडल बिटवीन ऑफ देम, दैट इज मीजोडर्म, ठीक है? अच्छा, किसी को याद हो कि मैंने कहा था क्रैनियल एंड की तरफ, जहां पर प्री कॉल्डर प्लेट पड़ी होती है, वहां पर मीजोडर्म नहीं होती, वहां पर मीजोडर्म नहीं होती। और उस जगह पर मैंने कहा था एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों आपस में मिल रही होती है, डायरेक्ट टच कर रही होती है। और इधर एक, ये देखें, अगर ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म दोनों आपस में यहां पर मिल रही होती है और एक मेम्ब्रेन बनाती है, दैट इज कॉल्ड बक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन। और इस बक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन से क्या बनता होता है, क्या डेवलप होता है? माउथ। क्या क्या बनता होता है? माउथ। इसको इसको बड़ा हमने बोली थे, ये क्या बनती है? माउथ बनती है। ये पहली चीज, फ्रेंजियल अपरेटस की पहली चीज क्या थी? बक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन के क्रैनियल एंड की तरफ, इस एंड की तरफ, इसके इस एंड की तरफ आपकी जो है ना, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों फ्यूज करती हैं, डायरेक्ट फ्यूज करती हैं, और एक मेम्ब्रेन बनाती है, दैट इज कॉल्ड बक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन। और इस बक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन से क्या बनता है आपका आगे जाके? माउथ। तो ये, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्रेंजियल अपरेटस। द सेकेंड, सेकेंड इज द फ्रेंजियल क्लिफ्ट, फ्रेंजियल क्लिफ्ट, इसको देखते हैं। अब ये ब्लू वाली लेयर कौन सी है? एक्टोडर्म। जब एक्टोडर्म आ रही होती है तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनती हैं, इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स इस तरह की बन रही है, इनको तो हम आर्च बोलते हैं, ये वाली। लेकिन जिस जगह पे ये डिप्रेशन है, ये वाली जगह आउटर साइड पे ये जो डिप्रेशन है, इन डिप्रेशन को बोलते हैं फ्रेंजियल क्लिफ्ट या फिर फ्रेंजियल ग्रूव, फ्रेंजियल क्लिफ्ट या फिर फ्रेंजियल ग्रूव। तो इसको हम फ्रेंजियल क्रिफ्ट और फ्रेंजियल ग्रूव बोलते हैं। इसको लाइन कौन कर रहा है? इसकी लाइनिंग क्या है? एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है ये ब्लू वाली, इसको लाइन कौन कर रहा है? तो फ्रेंजियल क्लिफ्ट, इसकी लाइनिंग क्या है? एक्टोडर्म। तो ये आपके क्या होते हैं? फ्रेंजियल क्लिफ्ट होते हैं। बक्को फ्रेंजियल मेम्ब्रेन से क्या बन रहा था? माउथ बन रहा था, और फ्रेंजियल क्लिफ्ट ये एक्टोडर्म। इससे स्पेशली कुछ नहीं बनता, लेकिन इससे कहते हैं कि जो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट फ्रेंजियल क्लिफ्ट है, जो फर्स्ट है ये वाली फर्स्ट, इससे जो है ना टिश्यूज बनते हैं जो कि आपकी एक्सटर्नल एयर कैनाल है उसको लाइन करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज बनते हैं जो आपकी एक्सटर्नल एयर कैनाल को, एक्सटर्नल एयर कैनाल को लाइन करते हैं, आपके कुछ टिश्यूज बनते हैं, बस दैट्स इट। तो हमने देखा कि क्रैनियल एंड पे जो चीज पड़ी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? गिल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड फ्रेंजियल अपरेटस। इसका फर्स्ट पार्ट बक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन, दैट विल बिकम द माउथ, एंड द सेकंड पार्ट इज फ्रेंजियल क्लेफ्ट, फ्रेंजियल ग्रूव, that is lined by the ectoderm, that is important, that is lined by the
एक्टोडर्म ये स्पेशली कुछ नहीं बनाती, बट वी कैन से दैट इन सम बुक्स इट्स रिटन दैट ये क्या बनाती है, एक्सटर्नल एयर कैनाल की एपिथेलियल लेयर बनाती है, दैट्स इट। इसकी जो थर्ड चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, थर्ड है आर्च। अभी मैंने कहा आर्च है ये वाली, है ना, तो ये देखें, ये रेड वाली आर्च, ये आर्च, ये आर्च, ये आर्च, ये आर्च, इसकी कुछ सिक्स आर्चेस होती हैं। कितनी? सिक्स आर्चेस होती हैं, और हर आर्च लाइन होती है मेसोडर्म से, ठीक है। जो फ्रेंजल क्लेफ्ट थी, जो फ्रेंजल ग्रूव थी, वो किससे लाइन की हुई थी? एक्टोडर्म से। और जो आपकी फ्रेंजल आर्चेस हैं, ये किससे लाइन की गई है? मेसोडर्म से लाइन की गई है, ठीक है। और ये कितनी होती है टोटल? सिक्स होती हैं। अब ये जो फ्रेंजल आर्चेस हैं, ठीक है, अब ये किस चीज में डेवलप होती है और क्या बनाती है? बक्को फ्रेंजल मेम्ब्रेन क्या बनाता है? माउथ। और आपकी फ्रेंजल क्लेफ्ट, फ्रेंजल ग्रूव क्या बनाती है? एक्सटर्नल एयर कैनाल की लाइनिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेंजल आर्च। फ्रेंजल आर्च क्या बनाती है? फ्रेंजल आर्च बहुत सी चीजें बनाती है। फ्रेंजल आर्च मसल भी बनाती है, फ्रेंजल आर्च बोन, कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्टिलेज भी बनाती है, फ्रेंजल आर्च नर्व्स भी बनाती है, फ्रेंजल आर्च आर्टरीज भी बनाती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंजल पाउचेस, जो कि चौथा पार्ट होता है आपकी फ्रेंजल अपरेटस का। पहला बक्को फ्रेंजल, दूसरा फ्रेंजल क्लेफ्ट, फ्रेंजल ग्रूव, तीसरा फ्रेंजल आर्चेस पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फ्रेंजल पाउचेस। डॉक्टर यान, डिड यू गेट द पॉइंट? अब फ्रेंजल आर्च छह होती हैं। देखें, देयर आर सिक्स आर्चेस दैट आर लाइंड विद द मेसोडर्मल, और ये मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं। कौन से होते हैं? मेसेनकाइमल सेल्स। दीज फ्रेंजल आर्चेस डेवलप इनटू फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। भाई इसकी रीडिंग कर लेंगे, फ्रेंजल क्लेफ्ट की, बक्को फ्रेंजल मेम्ब्रेन, और ये वाली इसकी कर लीजिए, बल्कि हो गई है मेरे ख्याल। अब फ्रेंजल आर्च जो पहली चीज होती है वो बनते हैं मसल्स। मसल्स अब कौन कौन से मसल्स और कौन सी आर्च से? तरतीब से आपने आना है, फर्स्ट आर्च, सेकंड आर्च, थर्ड आर्च, फोर्थ आर्च, फिफ्थ आर्च, सिक्स्थ आर्च, उस तरतीब से आना है। और कौन सी आर्च कौन से मसल बनाती है? इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट आर्च, तो फर्स्ट आर्च क्या बनाती है? ये बनाती है मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, वो वाले मसल्स जो आपकी मेस्टिकेशन में च्यूइंग में काम आते हैं, वो मसल्स कौन बनाती है? फर्स्ट आर्च बनाती है। और इन मसल्स को सप्लाई क्या करती है? ट्राइजेमिनल नर्व। ये वैसे जनरल नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया कि मसल ऑफ मेस्टिकेशन आर सप्लाइड बाय द ट्राइजेमिनल नर्व। इनमें कौन से मसल्स आती है? मीडियल एंड लेटरल टेरिगाइड्स भी पढ़ते हैं कुछ लोग पैट्रिगाइड्स भी पढ़ते हैं, मिसेटर एंड टेम्पोरालिस। अगर ये वाले याद रहे या ना रहे, ये याद रहना चाहिए कि मसल ऑफ मेस्टिकेशन किससे बनते हैं? फर्स्ट आर्च से बनते हैं। दूसरा इससे क्या बनते हैं? माइलोहाइड, या फिर उनको हम बोलते होते हैं एंटीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिव मसल्स, जिनमें आपके सुप्राहायोइड मसल्स आते हैं। फिर वही बात, ये याद रहे या ना रहे, ये याद रहना चाहिए, एंटीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिव मसल्स। तीसरी चीज, ऐसे बनते हैं टेंसर वैली पैलेटिनी, ये मसल्स बनते हैं। इन मसल्स का काम क्या होता है? ये स्वेलविंग में काम आते हैं, जब आप कुछ चीज स्वेल्व कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, तो उसमें ये वाले मसल्स काम आते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल एनाटॉमी है कि इनके काम फंक्शंस क्या है, फिजियो है, लेकिन आपको याद क्या रखना है एम्ब्रियो में कि फर्स्ट आर्च से क्या क्या बनता होता है? मसल ऑफ मेस्टिकेशन, एंटीरियर वैली ऑफ डाइजेस्टिव, और टेंसर वैली पैलेटिनी। अगर याद नहीं हो रहे तो याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। बता दूं आप लिखें कि मैन बी ऑन डाइट, बंदे को जो है ना वो डाइट पे होना चाहिए। अब इसमें देखें, डी से क्या बनेगा? सॉरी, एम से मसल ऑफ मेस्टिकेशन, ए एन से क्या बनेगा? एंटीरियर। ए एन से क्या बनेगा? एंटीरियर। बी से क्या बनेगा? बैली। और डाइट का डी आई से क्या बनेगा? डाइजेस्टिव। और टी से क्या बनेगा? टेंसर वैली पैलेटरी। तो ये आपने याद रखना है, मैन बी ऑन डाइट, तो ये फर्स्ट आर्च से ये वाले मसल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आर्च, सेकेंड आर्च किसको बनाती है? सेकेंड आर्च बनाती है स्ट्रेपीडियस मसल्स, ये मिडल एयर के मसल होते हैं जो कि आपकी हियरिंग में काम आते हैं। ये तो सिंपल आपकी फिजियो और वो एनाटॉमी। उसके बाद मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, इसके सारे मसल्स। उसके बाद स्टेलोहायोइड, या फिर इनका दूसरा नाम होता है पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइजेस्टिव मसल्स। वो कौन से थे? एंटीरियर, ये क्या है? पोस्टीरियर बैली। ये याद करने का तरीका बताओ सेकेंड आर्च से? स्टाफ पोस्ट होता है ना, स्टाफ आपके ऑफिस में, तो स्टाफ पोस्ट, कि स्टाफ की पोस्ट क्या क्या है, तो इसमें आप एस टी से, एस टी ए से पकड़ने, एस टी ए से स्टेपीडियस मसल्स, ठीक है। एफ, यार ये क्या हो रहा है, एस टी ए से आप क्या पकड़ लें? स्टेपीडियस मसल्स। और एफ से पकड़ लें मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, और पोस्ट से पकड़ लें कि वो एंटीरियर था, ये क्या होगा? पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइजेस्टिव मसल्स, ठीक है। सेकेंड आर्च वाले याद हो जाएंगे डॉक्टर यान? जी सर। खुश्क सा है? नहीं
आ रहा समझ? ये खाली रट्टा है ना, थोड़ा रट्टा है, इसीलिए मैं उसके फार्मूले बना के बता रहा हूँ ताकि जरा आपको याद रखने का तरीका। तो मैन ऑन डाइट याद रखें, स्टाफ पोस्ट याद रखें, फर्स्ट आर्ट सेकंड आर्ट दैट्स इट। क्योंकि आने तो एमसीक्यूज है, आनी तो लिखना तो नहीं आपने वहाँ पे जाके, एमसीक्यूज आनी है आपके पास, फार्मूला होगा कि इससे क्या बनता है, आप फार्मूला अप्लाई करें, एम से याद आ जाएगा फॉर इन्वेस्टिगेशन ये बनता है कि नहीं बनता, एमसीक्यू सॉल्व करें, दैट्स इट। तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, रट्टे को भी रट्टा नहीं मारना भाई, डॉक्टर यहाँ देख लें हैं। तो थर्ड आर्च, अब इससे क्या बनता है, अब पहली हो गई, दूसरी हो गई है, जब पहले भी याद कर ली, दूसरी भी याद कर ली, तीसरी भी थोड़ा स्टाइल मारना है, है ना यार, पहले भी याद हो गया, दूसरी भी अब जरा स्टाइल मारना है। तो स्टाइल से याद रखें कि स्टाइल ऑफ फ्रेंचिस मसल्स है, कि स्टाइल मार के आपने तीसरा मसल भी याद कर लिया है, स्टाइल ऑफ फ्रेंचिस मसल्स बन गया। तो ये मसल्स आर सप्लाइड बाय द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, तो वो खुद बता रहा है फ्रेंजियस तो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व इसको सप्लाई करती है वैसे जनरल के लिए। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये डीग्लूटिनेशन, वही बात की प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग, उस पर आपको काम आती है, ठीक है। अब इसके बाद चौथे पे आना है, चौथे के मैंने हाँ जी चौथे पे आना है आपने, अच्छा फोर्थ और सिक्स्थ, जो फिफ्थ होती है ना, जो फिफ्थ जो आर्च बनती है वो बेसिकली बनती नहीं है, अगर बनती है तो डेग्रेस हो जाती है, खुद ब खुद खत्म हो जाती है, पांचवी बनती नहीं आर्च। चौथी और छठी की बात करें, चौथी और छठी मोस्टली इकट्ठे मिलकर काम करते हैं हमेशा, इनका आपस में गठजोड़ होता है, ठीक है। ये आगे भी आपको नजर आएंगी कि ये इतिहाद में चलती है, ठीक है, इनका आपस में इतिहाद होता है। स्पीड मेरी तेज तो नहीं है, आर यू ओके? हाँ जी कुछ नहीं हुआ, वापस आ गए। चले फोर्थ एंड सिक्स आर्ट्स ये क्या बनाती है, सबसे पहली चीज फ्रेंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल्स, तो फिर वही बात सुपीरियर मिडल और इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स, ठीक है, ये याद रखें, ये वैसे आसान है, सुपीरियर मिडल एंड इन्फीरियर, सुपीरियर मिडल इन्फीरियर, और फ्रेंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल्स, फ्रेंजियल और इसके बाद लरेंजियल मसल्स, और ये भी डीग्लूटिनेशन में काम आती है। लरेंजियल मसल्स में करेक्टोथायराइड एंड एडेनॉइड मसल्स, ये याद रखें ना रखें लरेंजियल मसल्स। और तीसरा है लिवेटर वैली प्लेटनी, वो कौन सी थी, टेंसर, ये क्या है लिवेटर, पीछे क्या थे टेंसर और ये क्या है लिवेटर। अब ये तीन याद रखने हैं, वैसे दो तरह के याद रखने के तरीके हैं, सिंपल सा फ्रेंजियल लरेंजियल लिवेटर, एल ए से लिवेटर हो जाएगा, फ्रेंजियल लरेंजियल और लिवेटर मसल। और अगर फ्रेंजियल की बात करें तो कंस्ट्रिक्टर, अगर आप कहते हैं कि सर जी की परफेक्ट चीज बताएं तो फिर सोल्व, वो कहते हैं ये जीएल, जीएल को जेल भी पढ़ सकते हैं आप, जेल और इंस्पेक्टर कर लें, जेल इंस्पेक्टर ऑन एलिवेटर, बेचारा एलिवेटर पे है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जीएल से क्या हो जाएगा, जीएल से फ्रेंजियल लरेंजियल, तो फ्रेंजियल लरेंजियल दोनों हो गए, और इंस्पेक्टर से आपकी इंस्पेक्टर कंस्ट्रक्टर कुछ मिलते जुलते हैं, तो इंस्पेक्टर से कंस्ट्रक्टर मसल्स, है ना, इंस्पेक्टर मसल्स कंस्ट्रक्टर मसल्स, तो जो जीएल है यानी फ्रेंजियल कंस्ट्रक्टर मसल्स हैं, और दूसरे लरेंजियल मसल्स हैं, और तीसरा एलिवेटर, एलिवेटर ई एल ई, तो एल ई वी ए से आपकी लिवेटर, एलिवेटर से लिवेटर मसल्स, तो इस तरह आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो ये मसल्स थे, ठीक है, याद रह जाएंगे कि फर्स्ट आर्ट से क्या बनते हैं, फर्स्ट आर्ट से कौन से मसल बनते हैं, ये बताया या ना बताया, मैन मैन बी ऑन डाइट, और सेकंड आर्ट से क्या बनता है, स्टाफ पोस्ट, थर्ड आर्ट से क्या करना है, स्टाइल मारना थोड़ा सा, और फोर्थ और सिक्स आर्ट से क्या बनता है, जेल इंस्पेक्टर ऑन एलिवेटर, ओके। तो मसल ज्यादा हो गया आपको, ठीक है, हो गए इतने चांसेस है। अब आगे हम पढ़ते हैं जो जो फ्रेंजियल आर्ट से पहले तो मसल्स बनते हैं, दूसरा इससे क्या बनते हैं, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्टिलेज, तो कौन कौन सी बोन्स बनती है और कौन कौन सी आर्ट से बनती है वो देखते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट आर्ट से, फर्स्ट आर्ट से आपका मैक्सिला बनता है, फर्स्ट आर्ट से आपकी जाइगोमैटिक बोन बनती है, और फर्स्ट आर्ट से आपका मैंडिबल बनता है, और इसके साथ ये तीन चीजें मैक्सिला जाइगोमैटिक बोन्स और मैंडिबल, और इसको याद रखने के लिए फेस को याद रखें, ठीक है, कि आपने सबसे पहले देखना है मैक्सिला, फिर जाइगोमैटिक, फिर मैंडिबल, ये तीनों बोन्स आपने कर ली। नंबर फोर पे आपने क्या करना है, फिर आपने मूव करना है टुवर्ड्स जाइगोमैटिक, जरा इस तरफ मूव करना है, इस तरफ, और यहाँ पे क्या होता है टेम्पोरल बोन होती है ना, अब टेम्पोरल बोन का एक पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्क्वैमस पार्ट, दिस वन, जो कि इस तरफ होता है, ये टेम्पोरल और इसके इस तरफ होता है, तो आपने क्या करना है, पहले मैक्सिला जाइगोमैटिक मैंडिबल, फिर जाइगोमैटिक के जरा पीछे जाना है इस तरफ,
तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन से आपने पूरी टेम्पोरल बोन नहीं बल्कि उसका सिर्फ और सिर्फ स्क्वैमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, तो ये याद हो गया। अब मजीद आगे थोड़ा सा डीप है। अब इसी स्क्वैमस पार्ट के तीन प्रोसेस होते हैं, एनाटॉमी है, तीन प्रोसेस वो भी इसी से बनते हैं। कौन कौन से? पहला जाइगोमेटिक प्रोसेस, जाइगोमेटिक बोन से जाइगोमेटिक प्रोसेस, ठीक है, जाइगोमेटिक प्रोसेस। फिर उसके बाद स्टेरॉइड प्रोसेस, इधर से निकलता है स्टेरॉइड प्रोसेस। और तीसरा होता है मस्टर्ड प्रोसेस, यहाँ पे प्रीमस्टर्ड लिखा हुआ है, वो इसके जरा सुपीरियर साइड पे चले तो क्या लिखेंगे आप, मस्टर्ड प्रोसेस। तो तीसरा मस्टर्ड प्रोसेस हो गया। तो याद करने का तरीका क्या है, मैक्सिला, लेट मी चेंज द कलर, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, मैंडिबल। जाइगोमेटिक को जरा इस तरफ लेके जाए तो यहाँ पर टेम्पोरल बोन का कौन सा पार्ट पड़ा हुआ है, स्क्वैमस पार्ट। फिर स्क्वैमस पार्ट के तीन प्रोसेस हैं, पहला जाइगोमेटिक, दूसरा स्टेलाइड प्रोसेस और तीसरा मस्टर्ड। तो ये कैसे बनेंगे, फास्ट आर्ट डायग्राम, कीप फोकस, कीप द डायग्राम इन योर माइंड एंड जस्ट कीप मूविंग, ओके। लेकिन ऐसे कुछ और भी बनता है, मिडिल लेयर की बोन्स होती है तीन, मेरियस, इंकस एंड स्टेपिस। लेकिन ये देख लें यहाँ पर, ये भी डायग्राम से याद रख सकते हैं आप। तो ये स्टेपिस, ये इंकस और ये मेरियस। तो मेलियस और इंकस कैसे बनती होती है, फास्ट आर्ट से। ये दोनों कैसे बनती है, फास्ट आर्ट से बनती होती है, ओके। नो वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड आर्ट। फास्ट आर्ट माइंड में है, कौन कौन सी बोन्स बनती है माइंड में है। अब सेकेंड आर्ट की बात करते हैं, सेकेंड आर्ट क्या बनाती है। अब देखें आपकी गर्दन में, आपकी नेक में, जिस वजह से कुछ लोगों की गर्दन अकड़ी हुई होती है, ठीक है, तो वहां पे हायोर्ड बोन पड़ी होती है। ये बोन कैसे बनती है, ये बोन कैसे बनती है, सेकेंड आर्ट से। अब ये वाली बोन, ये वाली बोन कौन सी बोन है, हायर्ड। और इधर से आपका ये क्या था, स्टेलाइड प्रोसेस, याद आ रहा है ये क्या है, स्टेलाइड प्रोसेस कैसे बनता है, फर्स्ट आर्ट से। ये स्टेलाइड प्रोसेस और ये हायर्ड बोन, हायर्ड बोन कैसे बनती है, सेकेंड आर्ट से। इनके दरमियान में एक लिगामेंट होता है जिनको कनेक्ट कर रहा होता है, दोनों को क्या कर रहा होता है, कनेक्ट। उस लिगामेंट का नाम क्या होगा, स्टेलाइड से स्टाइलो हायर्ड लिगामेंट, हायर्ड बोन से स्टाइलो हायर्ड लिगामेंट। तो हायर्ड बोन और स्टाइलो हायर्ड लिगामेंट ये कैसे बनता है, सेकेंड आर्ट से, ठीक है। और साथ में ये दो हड्डियां तो हो गई थी, दो बोन्स मिडल एयर की, तीसरी कौन सी थी, स्टेपस। स्टेपस कैसे बनती है, वो भी सेकेंड आर्ट से, ओके, समझ आ गया। और बाज बुक में लिखा गया है कि हायर्ड बोन का कुछ पार्ट जो है वो थर्ड आर्ट से बनता है, कुछ पार्ट कैसे बनता है, थर्ड आर्ट से। तो फर्स्ट आर्ट से कौन कौन सी बोन्स बनती है, ओके, सेकेंड आर्ट से हायर्ड बोन और जो लिगामेंट जो स्टेलाइड प्रोसेस इसको करेक्ट करता है वो, और जो एक बोन रह गई थी दैट इज स्टेपिस, वो भी बनती है। थर्ड आर्ट तो हो गया कि कुछ पार्ट ऑफ हायर्ड थर्ड आर्ट से बनता है, फिफ्थ होती नहीं है, बाकी कौन रह गई, फोर्थ एंड सिक्स। तो फोर्थ एंड सिक्स के बारे में बड़ा आसान सा है कि इससे कार्टिलेज बनता है, क्या बनता है, लेरेंजियल कार्टिलेज, क्या बनता है, लेरेंजियल कार्टिलेज। अब लेरेंजियल कार्टिलेज में तीन चीजें होती हैं, थायराइड कार्टिलेज, रेटिनाइड कार्टिलेज और क्यूनिफॉर्म या फिर कॉर्निकुलेट, ये आप कह सकते हैं इसमें ये वाली चीजें बनती है। तो कितना आसान सा था, बोन्स है ना, ये तो मसल से भी ज़्यादा आसान थी। कि सबसे पहले लेट मी चेंज द कलर, फर्स्ट आर्ट की बात करें, फर्स्ट आर्ट मैक्सिला, जाइगोमेटिक बोन, मैंडिबल, जाइगोमेटिक को जरा पीछे लेके जाए, टेम्पोरल, उसका पार्ट कौन सा, स्क्वैमस पार्ट। तीन प्रोसेस, जाइगोमेटिक, स्टेलाइड और मस्टर्ड प्रोसेस। और इसके बाद दो जो बोन्स है मिडल एयर की, कौन सी, मेलियस एंड इंकस, ये भी। उसके बाद सेकेंड आर्च, सेकेंड आर्च में हमने कहा हायर्ड बोन और ये स्टेलाइड प्रोसेस, इनको जो मिलाता है लिगामेंट, स्टाइलो हायर्ड लिगामेंट, ये और ये जो बोन रह गई थी मिडल एयर वाली, स्टेपिस। और ये आपने मुझे याद दिलाया इसको जरा चेंज करना है, जरा छुपा हुआ नीचे है ना, स्टेपिस चेंजमेंट्स करनी है। उसके बाद लेरेंजियल कार्टिलेज कैसे बनती है, फोर्थ एंड सिक्स से, इसमें तीन आती है, थायराइड, एडेनाइड एंड क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निकुलेट, ओके, आसान था। नर्व्स, नर्व्स बहुत आसान है ना, आर्टरी तो ज़्यादा आसान है, उसके बाद फ्रेंजल पॉसिस बिल्कुल आसान है, तो नहीं मुश्किल है यार, आसान है ना। अभी ऐसा कुछ आया जो आपको याद ना हुआ, एवरीथिंग इज सिंपल बट तो इतिहाद रखा करें ना आप भी, इतिहाद रखा करें ना, इतिहाद नहीं टूटने पाए, तो हर चीज सिंपल रहेगी, इजी भी रहेगी। चले देखें नर्व्स। अब जो फर्स्ट आर्च होती है,
इससे क्या बनती होती है, देखें अपने इससे याद रखना है, 15 27 और 39 और 4 6 10 नंबर याद रखने हैं। 15 में 12 ऐड करो कितने बनते हैं, 27 में 12 ऐड करो कितने बनते हैं, 39 12 ऐड करते जाओ, ठीक है 15 याद करके 12 ऐड करते जाओ, और आखिरी वाला तो ये नंबर भले याद रखें या ना रखें वैसे याद हो जाएगा, बताता हूँ। अब जो फर्स्ट फ्रेंजल आर्च होती है उससे क्या बनती है, क्रिनल नंबर 5, तो एक से क्रिनल नंबर 5 का नाम क्या होता है, ट्राई जनरल लाइफ, सबको पता होता है ऑलमोस्ट ट्राई जनरल लाइफ क्रिनल नंबर, सबको पता होता है, यस यस पता होता है, नहीं होता पता, तो डॉक्टर यान आज फिर पता कर ले आप, जो क्रिनल नंबर 5 होती है वो क्या होती है, ट्राई जनरल, ये जाके देख लीजिएगा 12 के 12 सही है, कि फर्स्ट को कौन सा सेकंड कौन सा, हो जाता है हो जाता है, हौसला रखें, आपने 3-4 मिनट ऐसे भी तो जाया कर दिए हैं, तो देखें फर्स्ट फ्रेंजल आर्च क्रिनल नंबर 5 दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व, ओके 12 ऐड करें 15 में, डॉक्टर जुनेद 15 में 12 ऐड करें कितने बनते हैं, 27, सो 27 को माइंड में रखें, सेकंड आर्च से क्या बनेगी क्रिनल नर्व नंबर 7 दैट इज फेशियल नर्व, अब 27 में 12 ऐड करें कितने बनेंगे, 39, फ्रेंजल आर्च में थर्ड में क्या आती है, क्रिनल नर्व नंबर 9 दैट इज ग्लोसोफ्रेंजल नर्व, और जो फोर्थ एंड सिक्स है मैंने कहा गठजोड़ है इनका हमेशा से, फिफ्थ तो है ही नहीं, जो फोर्थ एंड सिक्स है इनका गठजोड़ है, तो फोर्थ एंड सिक्स बनाती है 10 है, दैट इज कॉल्ड योर वेगस नर्व, तो वेगस नर्व को पता था, तो ये आसान से नर्व याद हो गई। अच्छा थोड़ी सी और चीज है जो लिखी गई है कि जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होती है, जो लैरिंजियल को जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होती है तो वो फोर्थ आर्च है, और जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है तो वो फिफ्थ आर्च है, फिफ्थ आर्च वैसे होती नहीं है बट कुछ बुक्स में ये चीज लिखी गई है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, याद करें या ना करें इट्स ओके, लेकिन ये वाली चीजें याद होनी चाहिए। नर्व याद हो गई है भाई, आर्टरीज, और ये स्टेल किससे बन रही है, फ्रेंजल आर्च से बन रही है, पहले बको फ्रेंजल मेम्ब्रेन, फिर फ्रेंजल क्लेफ्ट या ग्रूव, उसे क्या बना था, एक्सटर्नल एयर कैनाल की लाइनिंग बनी थी, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेंजल आर्च, उसके बाद फ्रेंजल पाउचेस पढ़ेंगे। आर्टरीज फर्स्ट आर्च से बनती है आपकी मैक्सिलरी आर्टरी, वो कहता है जो नंबर 1 पे होता है वो मैक्सिमम होता है, जो नंबर 1 पे होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम, तो नंबर 1 आर्च से मैक्सिलरी आर्टरी भाई, मैक्सिमम आर्टरी मैक्सिलरी आर्टरी, उसके बाद नंबर टू आर्टरी सेकंड आर्टरी, तो दूसरी आर्टरी सेकंड आर्टरी, सेकंड आर्च गिव्स राइज़ टू द हायर आर्टरी, तो हायर आर्टरी बिकम्स अ स्टेप, पहले ये हायर आर्टरी बनती है, फिर हायर आर्टरी आगे जाके स्टेपिडियल आर्टरी बन जाती है, क्या बन जाती है, स्टेपिडियल आर्टरी बन जाती है, तो ये सेकंड से बनती है, ठीक है, सेकंड ऐसे बनता है ना, तो ये भी स्टेपिडियल, तो ये भी आपके माइंड में क्या आ रहा है, ओ मतलब क्या मतलब, गुड पॉइंट है, मतलब गुड पॉइंट है, सेकंड ऐसे बनता है और स्टेपिडियल भी क्या बनती है, ऐसे बनती है, तो स्टेपिडियल आर्टरी, और इसके बारे में बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि ये जब अडल्ट होते हैं तो ये उनमें स्टेपिडियल आर्टरी नहीं रहती, लेकिन ओनली 10% में ये रह जाती है, बाकी 90% में ये नहीं रहती, ये पॉइंट है। उसके बाद थर्ड ए बी सी, तीसरा वर्ड कौन सा है, सी, आर्च कौन सी है, सी, सी से बनता है कॉमन कैरेटर आर्टरी, तो इससे क्या बनती है, कॉमन कैरेटर आर्टरी, और साथ में इसकी प्रॉक्सिमल पोर्शन बनता है इंटरनल कैरेटर आर्टरी का, ठीक है, तो फर्स्ट से मैक्सिमम, सेकंड से एस से स्टेपिडियल आर्टरी, और थर्ड से सी आता है कॉमन कैरेटर आर्टरी, और साथ में इंटरनल कैरेटर आर्टरी बनती है, ठीक है। अब जरा याद रखना है फोर्थ और सिक्स को, थोड़ा सा माइंड लड़ाना है इधर, ठीक है, इसके लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, इसको रट्टा मार लिया। अब जो फोर्थ आर्च होती है, देखिए भाई जो फोर्थ आर्च है उसके दो पार्ट है ना, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ, किधर चली गई, ये है फोर्थ आर्च, ये फर्स्ट आर्च, सेकंड आर्च, थर्ड आर्च, फोर्थ आर्च, ये कौन सी होगी, लेफ्ट, और ये कौन सी होगी, राइट, ठीक है, तो राइट फोर्थ आर्च एंड लेफ्ट फोर्थ आर्च, तो इसी को देखते हैं, देखिए जो राइट फोर्थ आर्च है,
ये बनाती है सबक्लेवन आर्टरी, क्या बनाती है सबक्लेवन आर्टरी, और जो लेफ्ट फोर्थ आर्च है ये बनाती है एओर्टिक आर्च। कोई है आपके पास सोल्यूशन इसका याद करने का, किसी के माइंड में आ रहा हो? हाँ बाकी सबका सेम है, बाकी भी होते हैं राइट लेफ्ट, लेकिन वो सारे उनके राइट लेफ्ट दोनों मिलकर एक चीज बनाते हैं। लेकिन जो आपके फोर्थ आर्च की राइट है ये सब क्लेवन आर्च बनाती है, और जो फोर्थ आर्च की लेफ्ट है वो क्या बनाती है एओर्टिक आर्च। उसके बाद सिक्स, सिक्स के बीच राइट लेफ्ट, यार हर किसी के होते हैं राइट लेफ्ट, ठीक है हर किसी के होते हैं, लेकिन वो इधर जरा उनका जरा झगड़ा हो गया, बीच में कभी कोई झगड़ा भी होता है ना, इत्तेहाद नहीं हुआ ना, तो झगड़ा हो गया तो जी किसको, हाँ तो झगड़ा तो आखिर में होता है ना, झगड़े के बाद तो फिर कुछ नहीं होता ना, सब खत्म, टाटा बाय बाय। तो हाँ जी मुत्तफिक है, चले यार इसी वजह से तुम, मैं इसी तरह से समझा नहीं पाता, सही है चले वापस है, वापस है। पहली हो गई मैक्सिमम, दूसरी हो गई सेकंड से स्टेपिडियल, थर्ड से कॉमन कैरोटिड आर्टरी प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ इंटरनल कैरोटिड, राइट फोर्थ से सबक्लेवियन, लेफ्ट फोर्थ से एओर्टिक आर्टरी। अब राइट सिक्स से क्या बनता है, पल्मोनरी आर्टरी, याद रखते हैं राइट से राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट से लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और साथ में डक्टस आर्टेरियोसिस बनती होती है। याद है कि मैंने पढ़ाया था सीवीएस में कि अगर ये आपका एओर्टा जा रहा है और ये पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, तो इनके बीच में फीटस में एक ये डक्टस आर्टेरियोसिस होती है जो दोनों को कनेक्ट करती है। तो ये डक्टस आर्टेरियोसिस भी कैसे बनती है, लेफ्ट लेफ्ट सिक्स आर्च से बनती है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई आर्टरीज, और ये आपकी हो गई फ्रेंजल आर्चेस, सिक्स फ्रेंजल आर्चेस, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्रेंजल पाउचेस, ओके प्लीज कम बैक। अब बक्को फ्रेंजल मेम्ब्रेन में एक्टोडर्म एंडोडर्म मिल रही थी, फ्रेंजल क्लेफ्ट में एक्टोडर्म थी, फ्रेंजल ग्रूव आर्च में क्या था मेसोडर्म थी, फ्रेंजल पाउचेस जो कि अंदर की तरफ होती हैं, ये वाली ग्रीन वाली, ये वाली पाउचेस, ये वाली पहली सेकंड थर्ड फोर्थ, ये पाउचेस कैसे लाइन होती हैं, एंडोडर्म से लाइन होती है। अब इससे क्या बनता है वो हम देखते हैं, ठीक है ठीक है। ये छोटी सी इतनी सी है फितो सी बस, अगर आप मुझे ना हंसाते तो मैंने 30 मिनट में खत्म कर देना था। अब देयर आर फोर फ्रेंजल पाउचेस दैट आर लाइंड विद द एंडोडर्म। अब थर्ड और फोर्थ फ्रेंजल पाउच, अब इसमें डिफरेंस है, हर एक हर जो आर्च होती है उसकी राइट आर्च लेफ्ट आर्च होती है, हर पाउच का राइट और लेफ्ट पार्ट होता है उसका, लेकिन इधर एक डिफरेंस है कि ये अलग चीज है। जो फर्स्ट पाउच है वो एक ही पाउच है ऐसे, सेकंड भी ऐसे, जो थर्ड और फोर्थ और पाउचेस कितनी होती हैं, फोर आर्चेस कितनी होती हैं, छः। जो फोर पाउचेस हैं जो थर्ड और फोर्थ हैं उनमें एक मसला होता है, मसला नहीं होता लेकिन होता क्या है कि उनमें दो में डिवाइड हो जाती है, वो इस साइड पर भी इस साइड पर भी, सॉरी इस साइड पे भी राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। अब एक ऊपर की तरफ बन जाती है दैट इज योर डार्सल थर्ड फ्रेंजल पाउच, और एक नीचे की तरफ बनती है दैट इज वेंट्रल थर्ड फ्रेंजल पाउच। इसी तरह ये राइट है, राइट डार्सल थर्ड फ्रेंजल पाउच, इसी तरह इधर लेफ्ट डार्सल थर्ड फ्रेंजल पाउच, और इसी तरह राइट वेंट्रल थर्ड फ्रेंजल पाउच, और इसी तरह लेफ्ट वेंट्रल थर्ड फ्रेंजल पाउच, और फोर्थ की भी इसी तरह डार्सल और डायरेक्टर। तो इसके ये दो में स्प्लिट हो जाती है, बाकी स्प्लिट्स नहीं होती, फर्स्ट और सेकंड स्प्लिट नहीं होती, थर्ड और फोर्थ क्या हो जाती है स्प्लिट हो जाते हैं डॉर्सल और वेंट्रल में, ठीक है। और कुछ याद रहे या ना रहे, फर्स्ट और सेकंड स्प्लिट नहीं होती, थर्ड और फोर्थ स्प्लिट होती है डॉर्सल और वेंट्रल में, गुड। अब ये तो मैंने पढ़ाया हुआ फ्रेंजल पाउच क्या क्या बनता होता है, मैं जो प्रॉब्लम एक्चुअली आपको शो करा रहा था कि फर्स्ट पाउच डेवलप्स इनटू एपिथेलियम ऑफ द मिडल ईयर, इससे टिम्पैनिक कैविटी बनती है और इससे यूस्टेशियन ट्यूब बनती है जो आपकी नेजल कैविटी को और टिम्पैनिक कैविटी को मिलाती होती है, मिडल ईयर को और नेजोफेरेंस को मिलाती है, दैट इज कॉल्ड योर यूस्टेशियन ट्यूब। भैया अगर ये आपका मिडल ईयर है और ये आपकी नेजोफेरेंस है तो इनके दरमियान में एक ट्यूब होती है इस तरह वाली, इसको हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, ये दोनों को कनेक्ट करती है। अब यूस्टेशियन ट्यूब और टिम्पैनिक कैविटी कैसे बनती है, फर्स्ट पाउच से, ठीक है ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ। फिर मैंने कहा था सेकंड पाउच, सेकंड पाउच से मैंने कहा था लिम्फैटिक टिश्यूज बनते हैं, कौन से लिम्फैटिक टिश्यूज, टॉन्सिल्स, और मैंने उसमें चार कहे थे, फिरेंजियल टॉन्सिल्स बनते हैं इससे, पैलेटाइन टॉन्सिल्स बनते हैं, ट्यूबुलर टॉन्सिल्स बनते हैं, और आपके लिंगुअल टॉन्सिल्स बनते हैं, तो इससे ये चार टॉन्सिल्स बनते हैं, ठीक है। अब एंडोडर्म ऑफ सेकंड पाउच आल्सो लाइंस द नेजो ओरल कैविटी, तो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी की जो एपिथेल लाइनिंग होती है वो भी कैसे होती है, जो एंडोडर्म होती है सेकंड पाउच की वो इसको बनाती होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पाउच से क्या बना,
टिम्पैनिक कैविटी एंड यूस्टिशियन ट्यूब। सेकंड पोस्ट से क्या बना, टॉन्सल याद रख लें, और कुछ याद रहे या ना रहे, टॉन्सल। टॉन्सल चार किस्म के होते हैं, सबको पता होता है, फ्रेंजियल टॉन्सल्स, पेरिटोनियल टॉन्सल्स, ट्यूबुलर टॉन्सल्स एंड लिंगुअल टॉन्सल्स। उसके बाद थर्ड फ्रेंजियल पाउच, ये जरा आपने ध्यान से सुनना है, सही है। अब जो थर्ड फ्रेंजियल पाउच है, इसके दो तरह के पार्ट्स हैं, एक डॉर्सल और दूसरा वेंट्रल। अब जो डॉर्सल है ये क्या बनाता होता है, डॉर्सल पार्ट बनाता होता है इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। जिसने इम्यूनोलॉजी में उससे पढ़ी हुई है उसको कोई मसला नहीं होगा, इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। जो वेंट्रल है, वेंट्रल बनाता होता है थाइमस। क्या बनाता होता है? थाइमस। अब थाइमस क्या होता है, थाइमस एक लिम्फेटिक टिश्यू है जिसके अंदर आपके टी सेल्स मैच्योर होते हैं। टी सेल्स क्या होते हैं? मैच्योर होते होते हैं। ये कैसे बनता है? आपके थर्ड फ्रेंजियल पाउच से। कैसे बनता है? थर्ड फ्रेंजियल पाउच का जो टार्सल पार्ट होता है उससे बनता है इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स, और जो वेंट्रल पार्ट होता है उससे क्या बनता है? थाइमस, जो जिसके अंदर टी सेल्स क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, फोर्थ फ्रेंजियल पाउच। कौन सी? फोर्थ फ्रेंजियल पाउच। अब फोर्थ फ्रेंजियल पाउच के भी दो तरह के पार्ट, एक डॉर्सल, दूसरा वेंट्रल, दूसरा वेंट्रल। जो डॉर्सल होता है उससे क्या बनता होता है? ये इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बना था, इससे बनता है सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। समझ आ रही है बात? थर्ड की जो डॉर्सल थी उससे बना था इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, जो फोर्थ की डॉर्सल है उससे बनेगी सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। तो मुकम्मल क्या बन जाएगा? पैराथायराइड ग्लैंड, जो क्या रिलीज करता होता है? पैराथायराइड हार्मोन। और पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई करना। ओके, अब जो इसकी वेंट्रल है, इसकी वेंट्रल ने क्या बनाया था? थाइमस। इसकी वेंट्रल क्या बनाती है? इसकी वेंट्रल सबसे पहले बनाती है अल्टीमो फ्रेंजियल बॉडी। क्या बनाती है? अल्टीमो फ्रेंजियल बॉडी। याद रहे या ना रहे, इतना याद रहे कि ये पैराफोलिकुलर सी सेल्स बनाती है। पैराफोलिकुलर सी सेल्स। पैराफोलिकुलर सी सेल्स का काम क्या होता है? सी से कैल्सिटोनिन, और कैल्सिटोनिन का काम होता है कि ये आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या करती है? डिक्रीज करती है, रेगुलेट करके डिक्रीज करती है। समझ आ गया ये? तो ये आपकी थर्ड फ्रेंजियल पाउच से बनता है। तो थर्ड पाउच से डॉर्सल से क्या बनता है? इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, और वेंट्रल से क्या बनता है? थाइमस। ओके, और फोर्थ की डॉर्सल से क्या बनता है? सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, और वेंट्रल से क्या बनता है? पैराफोलिकुलर सी सेल्स। अब याद करने का तरीका क्या है? देखें, थर्ड, इसमें जो मेन चीज याद रखनी है कि थर्ड से क्या बनता है? इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, फोर्थ से बनता है सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, और दोनों पैराथायराइड ग्लैंड बना देते हैं, ठीक है। yes. अब याद कैसे रखना है? तीन बड़ा है कि चार? चार बड़ा है। क्या बड़ा है? चार। तो सुपर बड़ा होता है कि इन्फीरियर बड़ा होता है? तो सुपीरियर बड़ा होता है। तो चार बड़ा है तो वो क्या बनाएगा? सुपीरियर। तीन छोटा है तो वो क्या बनाएगा? इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। और थाइमस कैसे बनता है? हमेशा थर्ड से। और सी सेल्स कैसे बनते हैं? फोर्थ से बनते होते हैं। कीपर में कैसे बनते होते हैं? फोर्थ से। और एक और बात थाइमस के बारे में, थाइमस जो है ना, ये नेक से शुरू होता है, नेक से, और इस चेस्ट की तरफ मूव डाउन करता है, और वहां पे आपके टी सेल्स क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। अब अगर मैं कहूं, डॉक्टर नदीम से मेरा क्वेश्चन है कि थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच नहीं बनते हैं, तो इससे आपको कौन सी डिजीज होती है? मैंने इम्यूनोलॉजी में पढ़ाई थी, डिजीज का नाम बताया मुझे, डाइजियर सिंड्रोम। अगर देखें थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउच नहीं बनेंगे तो जो पेशेंट, बच्चा जो पैदा होता है ना, वो वाला, उसको डाइजियार्ड सिंड्रोम होती है। अब डाइजियार्ड सिंड्रोम क्या होती है? जब थर्ड फ्रेंजियल पाउच नहीं बनेगा, लेट मी चेंज द कलर, थर्ड फ्रेंजियल पाउच नहीं बना, अब मुझे बताए इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बनेगा? नहीं। फोर्थ भी नहीं बनी, सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बनेगा? नहीं। तो आपको पैराथायराइड ग्लैंड बनेगा? पैराथायराइड हार्मोन होगा? नहीं। तो आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, कम होगा, इससे आपको क्या होती है? टैटनी, है ना। तो टैटनी जो होती है, दैट इज डाइजियार्ड सिंड्रोम, उस पेशेंट को टैटनी होगी, ठीक है, कैल्शियम का लेवल डाउन होगा। दूसरा, जब थर्ड फ्रेंजियल पाउच नहीं बनेगी, थाइमस बनेगा? जब थाइमस नहीं बनेगा, टी सेल्स मैच्योर होंगे, तो टी सेल्स की क्या होगी? कमी होगी आपके ब्लड में, तो आपकी जो इम्यूनिटी होगी वो वीक होगी। दिस इज डाइजियार्ड सिंड्रोम, दिस इज कॉल्ड डाइजियार्ड सिंड्रोम। तो उसको हम क्या बोलते होते हैं? डाइजियार्ड सिंड्रोम बोलते होते हैं। तो इसमें कुछ, चलो मैं इसकी रीडिंग करा दूँ, ये समझ आ गया? मैं रीडिंग करा के जो पॉइंट्स रह गए वो क्लियर हो जाएंगे, पक्की बात है। अब इसके हम रीडिंग करते हैं।
मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, सही है? ओ माय गॉड, हाँ जी देखें जी, फर्स्ट पाउच डेवलप्स इनटू एपिथेलियम ऑफ द मिडल ईयर, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। थर्ड पाउच स्प्लिट्स इनटू डॉर्सल एंड वेंट्रल पाउचेस, डॉर्सल पाउच डेवलप्स इनटू इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड एंड वेंट्रल पाउच डेवलप्स इनटू द थाइमस दैट स्टार्ट्स इन द नेक देन मूव्स डाउन टू द चेस्ट वेयर टी सेल्स मैच्योर। यहाँ पे क्या होते हैं, टी सेल्स क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। उसके बाद देखें जी, फोर्थ फ्रेंजल पाउच आल्सो स्प्लिट्स इनटू डॉर्सल एंड वेंट्रल पाउचेस, डॉर्सल पाउच गिव्स राइज द सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड एंड वेंट्रल पाउच develops into the ultimofrangial body that forms the parafollicular C cells. C cells secrete calcitonin which helps in the regulation of the calcium blood level. Okay? Yes, sir. अब Digert syndrome देखें जरा। अब ये syndrome होती है जिसमें third और fourth pharyngeal pouch do not develop during embryo development. As third pharyngeal pouch develops into thymus, so thymus will be missing. T cells will not get mature. Number of T cells decreases and patient will be having immunity issues due to impaired T cells development. Third pharyngeal pouch also develops into inferior parathyroid gland and fourth pharyngeal pouch develops into superior parathyroid gland. So in this syndrome, parathyroid gland will not present, parathyroid hormone will not produce, leading to hypocalcemia. Blood mein calcium level down, decrease calcium in blood and can result in tetany. In this syndrome, patients often include congenital heart problems. और इस पेशेंट को कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स भी होते हैं एज वेल। पैराफोलिकुलर सी सेल्स विल नॉट फॉर्म लीडिंग टू द एबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो ये आपको डाइजार्ड और डाइजार्ड सिंड्रोम में ये चीज बड़ी कम देखने को मिलती है, लास्ट वाली पैराफोलिकुलर सी सेल का मसला कम देखने को मिलता है, कॉन्जेनिटल भी कम देखने को मिलता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो थाइमस वाला और आपको पैराथायराइड ग्लैंड वाला, ये वाला मसला ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये थी आपकी जनरल एम्ब्रियोलॉजी दैट हैज कम टू एन एंड। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज कल से हम जो है ना वो सिस्टेमिक एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। किस वाले से? इसके एमसीक्यूज सिंपल सिंपल से एमसीक्यूज, अगर स्टेप वन की बात करें तो सिंपल से एमसीक्यूज आएंगे इसी तरह की, कि इससे क्या बनता है, इससे क्या बनता है, कौन से मसल बनते हैं, इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। और डाइजार्ड सिंड्रोम के बारे में पूछेगा कि कौन सी पाउचेस मिसिंग होती हैं, और इसके बारे में पूछेगा पेशेंट को टेटनी होती है क्या होता है, और पूछेगा कि टी सेल्स कम होते हैं कि बी सेल्स कम होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपके माइंड में टी सेल्स तो इस तरह की चीज़ है, थैमस नहीं होता, थैमस नहीं होता, बोन मैरो नहीं होता, क्या नहीं होता, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अगर स्टेप वन की बात। अगर स्टेप टू की बात है तो वो फिर घुमा फिरा के लेके आता है आपको, पॉइंट वही होता है लेकिन घुमा फिरा के लेके आता है। एक पेशेंट था उसको डाइजेस्ट सिंड्रोम थी, या इस तरह नहीं बोलेगा डाइजेस्ट सिंड्रोम थी, उसको बोलेगा जब वो पैदा हुआ था उसकी थर्ड और फोर्थ फ्रेंजल पाउच नहीं बनी हुई थी, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि इसको डाइजेस्ट सिंड्रोम है, थाइमस नहीं है, टी सेल्स की डेफिशिएंसी है। तो वो फिर पूछ लेगा कि उसको इन्फेक्शन हुआ तो बताएं कौन सा इन्फेक्शन होगा। अब उसने सारी चीज़ें मिला दी हैं, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक इन्फेक्शन बढ़ गया, तो वायरल इन्फेक्शन को हमेशा आपके टी सेल्स कंट्रोल करते होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो जब से जो दूसरी आपकी एमसीक्यू आती है ना स्टेप टू की क्लिनिकल, वो फिर एक चीज़ को नहीं पकड़ता, सिर्फ इम्यूनो को नहीं पकड़ता, इम्यूनो को, पैथो को, फार्मा को, सबको मिस करता है, उसके लिए आपको सब कुछ आना चाहिए। तो वो सारा घुमा फिरा के लेके आता है। जब हमने CVS की क्लिनिकल एमसीक्यूज की थी तो उसमें आपने देखा था फिजियो, पैथो सब कुछ आ रही थी, तो वो सारी चीज़ें इस तरह घुमा फिरा के लेके आता है, ठीक है। तो कोई और क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज क्लास डिसमिस।